हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज जो हमारी टॉपिक है ये हम साइंस का एक पार्ट कवर करने जा रहे हैं, आईज़ के बारे में। ठीक है, तो आईज़ यानी मानव नेत्र के बारे में हम सारी चीज़ें बात करेंगे, जो भी होते हैं, जितने भी रोग होते हैं, और बहुत अच्छे से पूरे के पूरे टॉपिक को कवर करेंगे, जैसा कि हमने पिछले पार्ट को किया है। इसके पहले हम लोगों ने टीथ वाले पार्ट को कर चुका है, ब्रेन वाले पार्ट को कर चुका है, टंग वाले पार्ट को कर चुका है, ठीक है, और ये आपका अगला पार्ट होगा। ठीक है, देखिए, एक मैंने आँख की डिजाइन भी बनाई है। ठीक है, तो ये आँख है, और जो बीच वाला होता है ना, इसको प्यूपिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्यूपिल बोलते हैं। और जो व्हाइट वाला पार्ट होता है ना हमारी आँख में, जो सामने से दिखता है, वो कंजक्टिवा होता है। क्या होता है? कंजक्टिवा। आप हिंदी में के चक्कर में मत पड़िएगा, आप इंग्लिश में याद करिए। अभी मैं हिंदी में टर्म्स आप जब को बताऊंगा तो आपको ऑलरेडी वो कठिन लगेगा, तो आपको ये ज़्यादा सही है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? प्यूपल्स बोलते हैं। और वाइट वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? कंजक्टिवा बोलते हैं। और एकदम बीच में जो होता है ना, ये आयरिस होता है। ठीक है, आयरिस होता है। और ये साइड में ना, देखिए, ये अगर आँख है तो ये जो कॉर्नर वाला पार्ट होता है ना आँख के हमारे, वहाँ पे ग्रंथि पाई जाती है दोस्तों, उसका नाम है लैक्राइमल ग्लैंड, यानी लैक्राइमल ग्रंथि। इसको हिंदी में और नाम दिया जाता है आंसू ग्रंथि। और इसी के सहारे क्या होता है? आंसू का निर्माण होता है आँखों में। जो हम रो पाते हैं ना, रोने के बाद जो लिक्विड निकलता है हमारी आँख से, वो कैसे निकलता है? वो इसी लैक्राइमल ग्लैंड से निकलता है। तो आपके एग्जाम में कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है कि लैक्राइमल ग्लैंड आँख के किस साइड में होते हैं। तो याद रखिए, जो आँख का बाहरी वाला हिस्सा होता है ना, उसके ऊपर होता है। ध्यान दीजिएगा, बाहरी वाले हिस्से के ऊपर वाले साइड में होगा। अभी आगे और भी बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, आँख की अगर इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, देखिए, ये सामने वाला जो हिस्सा होता है ना एकदम आँख के, ये होता है कार्निया। जब कभी हम आँखों नेत्रदान करते हैं ना, तो उस नेत्रदान में क्या करते हैं? इस कार्निया को ही दान किया जाता है। ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी आँख निकाल दी जाती है, तो इस कार्निया को हम दान करते हैं। ठीक है, कार्निया के ठीक पीछे वाले भाग को क्या बोलते हैं हम लोग? प्यूपिल बोलते हैं, पुतली। प्यूपिल माने क्या होता है? पुतली। ठीक है, यानी जो ब्लैक वाला होता है ना, वो पुतली होता है। ठीक है, और आयरिस उसके बीच सेंटर वाला होता है। ठीक है, अब देखिए, अब उसके भी पीछे जाएंगे ना, तो आँख के ठीक पीछे बीच वाला पार्ट होता है ना, वो लेंस होता है। यहीं से प्रकाश इंटर करके क्या करता है? रेटिना पर फोकस करता है। यहीं से क्या होता है? ये प्रकाश क्या करता है? ऐसे मिलकर रेटिना पे जाता है, तो यहीं पे हमारे चित्र बनते हैं। ठीक है, तो ये होता है, देखिए, लेंस। ठीक है, अच्छा, ये लेंस के ठीक ऊपर वाले हिस्से पे क्या होता है? सिलेरी मसल्स होती है। ठीक है ना, यानी सिलियरी मांसपेशियां। ठीक है, और ये मैंने बताई दिया आपको कि रेटिना पर फोकस होता है, साइड वाला रेटिना हो गया। और ये जो बीच वाला पार्ट है ना, ठीक है ना, ये क्या होता है? ये ऑप्टिकल नर्व्स होते हैं। रेटिना, देखिए, ये पूरा का पूरा रेटिना वाला पार्ट है, यहीं पे ये बनता है इमेज। जबकि ये लास्ट वाला है ना, इसको ऑप्टिकल नर्व्स बोलते हैं। यहाँ पे दृश्य तंत्रिकाएं होती हैं, तो बहुत सारे यहाँ तंत्रिकाएं निकली होती हैं। और एकदम बीच वाले पार्ट को, जो ये ब्लैक वाला हमें दिख रहा है, ये आयरिस होता है, जिसको परितारिका बोलते हैं। ठीक है, तो आज बहुत डिटेल से दोस्तों इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं, और पढ़ के आपको इतना मजा आएगा ना, आपको फील होगा कि आज आप ही डॉक्टर बन गए हो। ठीक है, तो आँख के सभी रोगों के बारे में बात करेंगे, और ऐसे नहीं कि रतौधी विटामिन ए की तरह से होता है, नहीं, मैं सबकी तरह नहीं पढ़ाऊंगा। मैं जो भी आपको पढ़ाने वाला हूँ ना, ये आपने, मेरी उम्मीद है कि आपने कभी नहीं सुना होगा, कभी सुना ही नहीं होगा, और इस तरीके से ना ही कभी आपने पढ़ा होगा, ना ही आप जानते होंगे कि ऐसे भी पढ़ा जाता है। तो आप केवल मेरे साथ बने रहिए पूरी वीडियो तक। ठीक है, देखिए, बात करते हैं कार्निया की, इसमें कुछ रटने वाला नहीं, ये सब तो अभी आपको रट जाएगा। ठीक है, क्यों, जब हम बात डिटेल में करेंगे ना, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो पहली बात करते हैं हम कार्निया की। ठीक है, देखिए, इसी भाग से होते हुए प्रकाश नेत्र में एंटर करता है। ठीक है, सबसे पहले कार्निया ही पड़ता है। ठीक है, तो कार्निया वाले भाग से प्रकाश नेत्र के भीतर प्रवेश करता है। आँखों के दान में इसी भाग को दान किया जाता है। तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है क्या, कि आँख जब हम दान करते हैं, नेत्र दान करते हैं, तो उसमें आँख का कौन सा भाग दान करते हैं? तो इस कार्निया को ही दान करते हैं। ठीक है, जो भी अंधे लोग होते हैं ना, ठीक है, जन्मान की बात छोड़िए, अगर जो भी अंधे लोग होते हैं, तो उनके अंदर आँख की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, वो सबकी सब बनी होती है। प्रॉब्लम उनके कार्निया में होती है। ठीक है, जो तो यही कार्निया क्या होते हैं, जाके दूसरी की आंखों में जट हो जाता है, तो उन्हें दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो बात कार्निया की है। कभी कभी कार्निया की आकृति असामान्य हो जाती है, लेकिन बात आती दोस्तों कि क्यों असामान्य हो जाती है। चलिए, आपको कभी ऐसा लगता है कि आपकी पुतली जो है सिकुड़ गई है थोड़ी सी, आँख जैसे सिकुड़ गई है, तो हमें सब कुछ धुंधला धुंधला दिखने लगता है। ठीक है, पानी आ जाता है अचानक से आँख में। ठीक है, उस कंडीशन को बोलते हैं दृष्टि वैमनस्य।
दृष्टि वैषम्य, ठीक है ना, एस्टिगमेटिज्म। तो अब ये देखिए, याद करना बहुत टफ है और ये याद करना ज़्यादा सही है। तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, एस्टिगमेटिज्म, ठीक है ना, और इसी के कारण व्यक्ति को धुंधला दिखाई देता है। तो दोस्तों एस्टिगमेटिज्म एक रोग भी है, ठीक है, ये क्या है, एक रोग भी है। तो आगे भी इस रोग के बारे में बात करेंगे। देखिए इसमें क्या होता है ना, जो कार्निया होती है ना वो सिकुड़ जाती है, उसकी आकृति असामान्य हो जाती है, ठीक है ना, जिसके कारण व्यक्ति को धुंधला दिखाई देने लगता है। ठीक है, आइए आगे कवर करते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं सीधे पलकों की, ठीक है ना। तो देखिए जो इम्पोर्टेंट मैंने वो लिखा है और बाकी चीज़ें मैंने छोड़ दिया है। पलक उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन यहाँ से कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट जो बताना ज़रूरी था इसलिए मैंने इन्हें लिख रहा। पलकों को इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों आईलिड्स, ठीक है ना। ये पलक करते क्या है, तो पलक हमें क्या करते हैं, बाहरी तत्वों से सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। तो आँखों की सुरक्षा के लिए पलकें होती हैं, ठीक है। पलकों के किनारे में दोस्तों एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको बोलते हैं माइबोमियन ग्लैंड, ठीक है। देखिए अश्रु ग्रंथि जो होती है लैक्राइमल ग्रंथि, तो लैक क्राई, क्राइमल, क्राई माने रोना, तो रोने के लिए होता था, लेकिन ये माइबोमियन है तो इसको नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइबोमियन ग्रंथि, माइबोमियन ग्रंथि करता क्या होता है, ये माइबोमियन ग्रंथि एक तेल जैसा एक पदार्थ निकालता है। देखिए तेल सदृश, ऐसा नहीं कि तेल निकालता है, नहीं, तेल सदृश मतलब तेल की तरह दिखने वाला एक पीला रंग का चिपचिपा पदार्थ वो निकालता है यहाँ से, ठीक है। और वो पदार्थ क्या करता है, वो हमारी आँखों को क्या करता है कि ये जो, अच्छा अगर आँखें सूख भी तो सकती हैं, सोचिए कार्निया हमारा सूख जाए, आँखें सूख भी सकती, लेकिन आँखों में हमेशा पानी बना रहता है, तो वो पानी एक्चुअली नहीं होता, वो तेल सदृश ये पदार्थ होता है, जिसका नाम जो किससे निकलता है, माइबोमियन ग्लैंड से निकलता है। तो ये आप ध्यान देंगे, ठीक है। अच्छा बरौनिया क्या काम करती हैं, देखिए पलक तो अलग चीज़ है, अब बरौनिया जो बाल होते हैं ना वो उसको बोला जाता है बरौनी, ठीक है ना, ये भी बाह्य सुरक्षा से हमें बाह्य सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। देखिए इसके बाद हम बात करेंगे नेत्र श्लेष्म की। तो हिंदी दोस्तों मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, हिंदी मैंने लिखा जरूर है, ठीक है, कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगा इसलिए मैंने हिंदी लिख दिया, लेकिन आप इंग्लिश ही फोकस करो। कंजक्टिवा, तो कंजक्टिवा मैंने बताया था ना, आँख में जो सफ़ेद वाला हिस्सा में दिख रहा होता है वो कंजक्टिवा होता है, ठीक है। पलकों के नीचे की जो उपचर्म होती है, एपिडर्मिस होती है, जो कि एक पारदर्शक एवं झिल्लीनुमा होती है, वही कंजक्टिवा कहलाती है। अरे यार हम तो अपनी भाषा में याद करेंगे, जो आँख की सफ़ेद वाली परत होती है ना वो कंजक्टिवा है। कंजक्टिवा करती क्या है, कंजक्टिवा धूल मिट्टी से बचाती है। देखिए पलक तो हमारी धूल मिट्टी से बचाती हैं पलकें, ठीक है, लेकिन अगर धूल मिट्टी हमारी आँखों में अचानक से आ गया, ठीक है, तो हमारी आँखें क्या हो जाती, लाल हो जाती हैं, हो जाती है ना, जैसे अगर कोई एक मुट्ठी धूल लेके आपकी आंखों में झोंक दे तो आपकी आंखें क्या हो जाएगी, लाल हो जाएंगी, ठीक है, कुछ समय के लिए लाल गुलाबी ऐसा हो जाएगी, और हो सकता है आपकी आंखों में सूजन भी आ जाए, ठीक है। तो इससे एक रोग होता है दोस्तों जिसको हम लोग बोलते हैं कंजक्ट। अब देखिए कंजक्टिवा की प्रॉब्लम सी हुआ है, कंजक्टिवा ही लाल होती है, इसे लोग बोलते हैं तुम्हारी आंख बहुत लाल दिख रही है, तो उस लाल दिखने में क्या होता है, जो व्हाइट वाला पार्ट होता है उसमें बहुत, वो बहुत रेड हो जाता है, ठीक है। तो उस रोग को बोला जाता है कंजक्टिविटीज, ठीक ना, कंजक्टिविटीज, ठीक ना, याद रहेगा आपको ये, ठीक है। कभी कभी आप जानते हैं ना, जैसे आँख आता है लोगों का, आपने गांव में सुना होगा आँख आता है तो हम लोग चश्मा लगा के रहते हैं, किसी तरफ देखते नहीं है, नहीं जिसको देखोगे उसको भी आँख आ जाएगा। तो आँख आने कंडीशन में भी यही होता है, ठीक है, आँखें लाल हो जाती हैं, सूज जाती हैं, और उसको कंजक्टिविटीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे दो चीज़ें, ठीक है। आइए इसी के साथ हम आगे बात करते हैं अश्रु या लैक्राइमल ग्लैंड की। तो ये देखिए बाहरी कोने के निकट होता है, जैसे अगर ये आँख है तो इसके बाहरी कोने की ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये बाहरी कोने के निकट होता है। यह जल सदृश से तरल पदार्थ निकलता है जल की तरह से, जो कि आँखों को शुष्क होने से बचाता है, ठीक है। इसमें एक पदार्थ होता पाया जाता है जिसको लाइसोजाइम बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, लाइसोजाइम का नाम आप कई बार सुनोगे, ठीक है। लाइसोजाइम एक एंटीबैक्टीरियल होता है, क्या होता है, यानी ये बैक्टीरिया को मारने वाला होता है, एक एंजाइम होता है, यानी हमारी आंखों में अगर कोई भी कीड़ा पहुंच जाता है तो वो हमारे आंखों में ही मर जाता है। ऐसा कैसे हो पाता है, देखिए आंखों से कोई भी कीड़ा अगर आपके आँख में पड़ गया ना तो निकालोगे जब उसे ना तो जिंदा नहीं रहेगा, वो मर जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे आँख में क्या पाया जाता है, इस लैक्राइमल ग्लैंड में लाइसोजाइम पाया जाता है जो कि बैक्टीरिया को मार देता है, ठीक है। तो एंटीबैक्टीरियल एंजाइम, ठीक है, यहाँ से ये आप दोनों पार्ट याद रखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम दोस्तों हम लोग बात करते हैं पुतली की, यानी पीपल की। पुतली में क्या होता है दोस्तों कि ये आयरिस के बीचों बीच एक गोल छिद्र होता है, जो एकदम सेंटर वाला पार्ट होता है, जैसे जो ब्लैक वाला, ब्लैक के अंदर भी एक ब्लैक होता है, ठीक है ना। तो ये एकदम बीचों बीच में एक पार्ट होता है, गोल छिद्र होता है,
मेन प्रकाश जो होता है इसी पीपल के अंदर होके गुजरता है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कोई टार्च अगर आपकी आंख पे जलाए तो ये क्या करेगा, पीपल्स के अंदर होते हुए पहले कार्निया को मिलेगा, कार्निया से आयरिस, आयरिस से पीपल, तो ये पीपल में से होते हुए जाता है। और पीपल का काम होता है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना। ऐसा नहीं कि आपके आंख में कोई प्रकाश डाल दे तो पूरा का पूरा प्रकाश आपकी आंख में चला जाए, ये कंट्रोल करना चाहता है पीपल। तो पीपल कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ तो काम करता होगा, ठीक है। तो पीपल काम क्या करता होगा, देखिए, अगर प्रकाश कम होता है, अगर मंद प्रकाश होता है, थोड़ा मतलब अंधेरा टाइप का होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में पीपल का होता है ये फैलकर अपने आप बड़ा हो जाता है। आप आंखों को देखोगे ना तो आंखें फैलकर बड़ी हो जाती हैं। आप अभी आप अपने घर में प्रैक्टिकल कर सकते हो, कोई बच्चा हो या किसी फ्रेंड के यहाँ पे जाओ और मोबाइल का टार्च ऑन करके उसकी आंख के पास ले जाओ, तो जब टार्च को पास ले जाओगे ना तो पीपल छोटी हो जाएगी, और जब टार्च को दूर करोगे ना तो पीपल बड़ी हो जाएगी। आंख आंख के अंदर की बात बता रहा हूँ आपको, दिखेगा ये प्रैक्टिकल, ठीक है। तो उससे होता क्या दोस्तों, उससे होता ये है, वो ये शो ऑफ करना चाह रहा है, आपको बताना चाह रहा है कि मंद प्रकाश में यह फैलकर बड़ा हो जाता है ताकि चीज़ें हमें और अच्छे से दिखाई दे, और तेज प्रकाश में यह छोटा हो जाता है, यानी प्रकाश को एडजस्ट करने का काम किसका होता है, पीपल का होता है, ठीक है। चलिए आगे ये बात करते हैं, लेंस की बात करते हैं। तो आंखों में जो लेंस होता है उसका क्या काम होता है, देखिए, प्यूपिल के रास्ते जो भी प्रकाश अंदर आता है वो प्रकाश क्या करेगा, वो प्रकाश पहुंचता है लेंस पे, ठीक है। तो लेंस क्या करता है, उस प्रकाश को रेटिना पर उठा के फोकस कर देता है। लेंस क्या करता है, उस प्रकाश को कहाँ फोकस कर देता है, रेटिना पर फोकस कर देता है। तो वो इमेज जाके कहाँ बनती है, रेटिना पे, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान रखिएगा, रेटिना पे कोई भी इमेज जो होती है ना वो उल्टी बनती है। कैसी बनती है, उल्टी। क्यों दोस्तों उल्टा बनता है, मान लीजिए देखिए ये एक आंख है, अगर मान लीजिए ये एक आंख बना दे रहा है, ठीक है, मान के चलिए आप, ठीक है, और यहाँ से कोई इमेज गया, ये रेटिना पर पड़ा, तो ये रेटिना पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है मैंने बी, ठीक है, तो ये जो होगा ना, ये इमेज जो होगा उल्टा बनेगा। तो उल्टा बनेगा क्यों, उल्टा बनता है क्योंकि मान लीजिए हमारा माइंड यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ से कुछ तंत्रिकाएं जाती है इस माइंड के यहाँ, ठीक है, तो माइंड इसको पढ़ता है, माइंड इसको पढ़ता है ना, तो जब ये जैसे एम्बुलेंस होता है ना, एम्बुलेंस उल्टा दिखा होता है, लेकिन जब हमारे शीशे के थ्रू होके आता है तो हमें सीधा दिखाई देता है। एम्बुलेंस गाड़ियों पे जो एम्बुलेंस वर्ड लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है, लेकिन जब उसे हम अपने शीशे में देखते हैं, ठीक है, तो वो हमें सीधा दिखाई देता है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि वो इसलिए किया जाता है कि जो हमें एम्बुलेंस अगर कभी गाड़ी आ रही है तो हमें जो है समझ में आ जाए कि एम्बुलेंस है, वो सीधा सीधा वर्ड लिखा रहा है, तो हम उसे साइड दे दें। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी होता है दोस्तों, रेटिना पे जो फोकस बनता है वो उल्टा बनता है ताकि हमारा माइंड इसे सीधा पढ़ सके। तो किस लिए उल्टा बनता है, माइंड को पढ़ने के लिए उल्टा बनता है, ठीक है, ताकि माइंड को सीधा लगे, ठीक है। देखिए क्योंकि माइंड तो आंख के पीछे होती है, तो इसकी वजह से होता है, ठीक है। तो ये देखिए ये आकार होता है, इसका आकार जो होता है तो बाई कॉन्वेक्स होता है, यानी उभयोत्तल। किसका आकार दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आंख के लेंस की, मैं बात कर रहा हूँ आंख के लेंस की, बहुत इंपॉर्टेंट है पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो हमारे आंख के अंदर जो लेंस है ना उसका आकार कैसा है, तो आप क्या बताएंगे, उभयोत्तल यानी बाई कॉन्वेक्स। आयु बढ़ने के साथ साथ यह कुछ चपटा होता जाता है और यह भूरे रंग का होता जाता है, ठीक है। तो ये अब देखिए, अगर ये चपटा होगा तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम करेगा, या भूरे रंग का हो रहा है, चलो रंग तो छोड़ो, लेकिन ये प्रॉब्लम करेगा ना, तो प्रॉब्लम देखिए क्या करता है, यहाँ पे आइए बात करते हैं। देखिए एक रोग होता है दोस्तों, इसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट, कॉट्रैक्ट, ठीक है ना, कॉट्रैक्ट को हिंदी में बोलते हैं मोतियाबिंद। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा मोतियाबिंद के बारे में। देखिए जब कभी हमारे लेंस पर, आंख के अंदर जो लेंस है यानी कार्निया के पीछे, ठीक है, क्या है हमारा सबसे, कार्निया के पीछे आयरिस, आयरिस के पीछे प्यूपिल, से होते हुए प्रकाश अंदर जाता है, मिल पहुंचता है लेंस पे, तो जो लेंस है ना लेंस पे एक सफ़ेद परत जम जाती है, ठीक है, और जिसकी वजह से आंखों से सभी चीज़ें क्या होती है, धुंधली दिखाई देने लगती है हमारे लेंस के ऊपर। जैसे अगर मान लीजिए कोई शीशा आपके घर में, आप शीशे को साफ़ नहीं करोगे, मतलब अगर ढंग से नहीं रखोगे तो शीशे पे धूल गर्दे तो जमेंगे, और धूल गर्दे जमेंगे क्या, उस पार की चीज़ें सभी चीज़ें आपको साफ दिखाई देंगी, जाहिर बात है साफ नहीं दिखाई देंगे। बस डिक्टो ये काम होता है, लेंस पे जब एक सफ़ेद परत जम जाती है तो उसकी वजह से आंखों की चीज़ें, आंखों से देखी जाने वाली सभी चीज़ें वो धुंधली दिखाई देने लगती है। तो हमें डॉक्टर क्या करता है, एक ड्रॉप देता है अच्छा सा, जो हमारे लेंस को क्या कर देता है, साफ कर देता है, हमारा मोतियाबिंद सही हो जाता है। तो एक नॉर्मल चीज़ें होती है, ठीक है, ये होती है, क्योंकि वो आँख के अंदर होता है इसलिए कभी कभी इसके ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, अभी आपको समझ में आ रहा होगा, सारे रोग को ना उस टॉपिक से जोड़ के चलें तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी रहेंगी, ठीक है। एक रोग होता है दोस्तों ग्लाइकोमा, बहुत मज़ेदार है, सुनिए ध्यान से।
काला मोतियाबिंद का नाम आपने सुना है ना। काला मोतियाबिंद में क्या होता है कि जब आंखों की कोशिकाएं डैमेज हो जाएं, देखिए दोनों में बड़ा अंतर है, मोतियाबिंद और काला मोतियाबिंद में बहुत अंतर है दोस्तों। मोतियाबिंद में क्या होता है कि लेंस के ऊपर धूल गर्दे जम जाते हैं, मतलब धूल गर्दे नहीं बोलेंगे, सफ़ेद परत जम जाती है, ठीक है ऐसे बोलेंगे, ठीक है वो तो मैं समझाने के लिए आपको बोला। तो सफ़ेद परत जम जाती है, जबकि कालिया मोतियाबिंद में क्या होता है कि आंखों की जो अंदर की कोशिकाएं होती है ना वो डैमेज हो जाती है। तो ये ज़्यादा खतरनाक है या ज़्यादा खतरनाक है? जाहिर बात है कि काला मोतियाबिंद खतरनाक है, क्यों? क्योंकि इसमें कोशिकाएं हो गई डैमेज। अब आपकी कोशिकाएं वो सही हो पाएंगी दवा के थ्रू या नहीं हो पाएंगी, ये तो बड़ी बात है। अगर हो जाएंगी तब तो ठीक है, और नहीं हो पाएंगी, इसलिए कहा जाता है काला मोतियाबिंद का इलाज तुरंत संभव नहीं है, लंबे समय में करना पड़ता है इसे, ठीक है। और ये वाला तो मान लीजिए तुरंत हो जाता है, क्योंकि उसमें खाली लेंस ही तो साफ करना है, और इसमें कोशिकाएं डैमेज हुई तो उसे बदल तो सकते नहीं हो, ठीक है। तो वो धीरे धीरे दवा के थ्रू ही क्या होता है, सही होता है। तो ये काला मोतियाबिंद हो गया, ठीक है ना। दोनों में अंतर यहाँ इसको इसलिए बताना जरूरी था कि आप अंतर समझ लो, ठीक है। आइए, एक और रोग होता है दोस्तों जो यहाँ से लेंस संबंधित है आँख की, जिसको बोलते हैं प्रेसबायोपिया। क्या बोलते हैं? प्रेसबायोपिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए होता क्या है कि वृद्धावस्था जब आता है ना, तो आँख की जो सिलेरी मांसपेशियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं, वो कमजोर हो जाती हैं। जाहिर बात है यार, जो हम अभी देख पाते हैं जितना क्लियरिटी के साथ, एकदम बूढ़े होने के बाद इतनी क्लियरिटी से नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जो हमारी आँख की सिलेरी मांसपेशियां, जो आँख का ऊपर वाला परत ऐसे ऐसे था, उसको सिलेरी मांसपेशियां बोलते हैं, ठीक है। तो आँख की जो सिलेरी मांसपेशियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं। तो कमजोर होने के कारण प्रॉब्लम क्या होता है ना, ना तो हम दूर का देख पाते हैं और ना तो हम नज़दीक का देख पाते हैं। तो काफ़ी वृद्धावस्था में जो वृद्ध लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। क्या प्रॉब्लम होता है दोस्तों? कि ना तो वो दूर का देख पाते हैं ना तो पास का देख पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम बाइफोकल लेंस यूज करने के लिए देते हैं। डॉक्टर ने क्या लिखता है? बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस माने एक ही चश्मे में उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों लगा होता है। यानी आप नीचे से देखोगे, जैसे वो लोग जो बूढ़े लोग होते हैं चश्मा लगाने के बाद ऐसे थोड़ा सा नाक ऊपर करके देखते हैं, ऐसे आँख ऊपर कर, ठीक है। तो वो क्या देखते हैं? वो देखिए उत्तल लेंस अवतल लेंस, उनके चश्मे में दोनों लेंस होता है, और वो अपने हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट करके देखते हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि इस प्रेस बायोपिया में हम कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं? तो बाइफोकल लेंस, ठीक है। क्यों इस्तेमाल करते हैं समझ गया ना? देखिए हम क्या करते हैं, रोग को कैसे पढ़ते हैं, हम ये पढ़ते हैं कि प्रेस बायोपिया में ना तो दूर का दिखाई देता ना तो पास का। लेकिन क्यों ना तो दूर का दिखाई देगा, क्यों ना पास का दिखाई देगा, ये हमें पता नहीं होता है। तो आज हमें पता चला कि जो आँख की सिलेरी मांसपेशियाँ होती वो कमजोर हो जाती हैं, और इसकी वजह से ऐसा होता है, ठीक है। आइए, अभी तो यार बहुत सारी चीज़ें बाकी है, बहुत मज़ेदार मज़ेदार चीज़ें बाकी है, ठीक है। देखिए दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं इसके बाद आयरिस की, यानी परिनालिका की। तो परिनालिका कितना टफ वर्ड होता है, आयरिस आप याद रखो। तो ये आँख होता है ना, तो आँख का जो साइड वाला, ये प्यूपिल वाला होता है, देखिए अभी इसी को मैं बता रहा था, ये प्यूपिल होता है, अभी तो आपको समझ में आएगा, और यही फैलता और सिकुड़ता है। लेकिन जो साइड साइड वाला हिस्सा होता है, ये भी तो ब्लैक दिखता हमें, ठीक है। तो ये जो होता है ये आयरिस होता है, और जो आँखों का रंग होता है ना वो किस पे डिपेंड करता है, वो आयरिस पे डिपेंड करता है कि आपकी आंखें भूरी हैं, काली हैं, नीली हैं, हरी हैं, कैसी हैं, वो किस पे डिपेंड करता है, आइरिस पे डिपेंड करता है। यहाँ तक कि जो आई स्कैन किया जाता है ना, आंख को जब स्कैन करते हैं ना, तो उस स्कैन में भी किसे स्कैन करते हैं, इसी आइरिस को स्कैन करते हैं। यहाँ पे जो रेखाएं होती हैं ना, उन रेखाओं को स्कैन करते हैं। चलिए इन रेखाओं को जूम करके देखते हैं। देखने में तो ऐसे दिखते हैं, लेकिन जब हम जूम करते हैं तो रेखाएं कुछ इस तरीके से दिखाई देती हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ आपको एक कहानी सुननी है, ठीक है, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे रेटिना की, ठीक है, ये याद रखिएगा, अभी इसका इस्तेमाल पड़ेगा, ठीक है। देखिए रेटिना की बात करते हैं। रेटिना मैंने बताया कि जब भी कोई प्रकाश आता है तो सबसे पहले कार्निया यानी सबसे ऊपर वाला हिस्सा, फिर इसी प्यूपिल से होते हुए, अब आप ये कह सकते हैं कि आयरिस से होकर नहीं जाता है, आयरिस के अंदर ही तो प्यूपिल होता है, तो इसलिए हम बोलते हैं आयरिस से होते हुए, प्यूपिल से होते हुए सीधे लेंस पर पड़ता है, और लेंस उठा के उसको कहाँ फोकस कर देता है, रेटिना पर। तो दोस्तों ये रेटिना होता है, यहाँ से लेंस होता है, ये ऐसे आ जाएगा प्रकाश, ठीक है, ऐसे आके यहाँ फोकस हो जाता है, ठीक है, सीधा चल के ऐसे आता है, ठीक है। तो ये प्रकाश यहाँ पे फोकस हो जाता है, तो ये रेटिना पे फोकस हो जाता है। तो रेटिना पे जो कुछ भी फोकस होता है वो दो टाइप में होता है। पूरे रेटिना में, ये रेटिना वाला पार्ट देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा रेटिना होता है। रेटिना में क्या होते हैं, दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक रॉड सेल होता है, एक कोन सेल होता है। अब यहाँ से आपकी असली जो आई का चैप्टर है ये शुरू हो रहा है, ठीक है। तो आप बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा और इसका मजा लीजिए। देखिए रेटिना में दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक रॉड सेल, एक कोन सेल। ये वो चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको कहीं किताब में लिखी हुई नहीं मिलेंगी, ठीक है, तो आप बिल्कुल आराम से पढ़ते चलिए। रॉड सेल कोन सेल का मतलब क्या होता है, देखिए पहले समझिए होते कैसे। रॉड सेल कुछ इस तरीके से होता है, कोन कुछ ऐसा होता है, ठीक है।
अभी ये रटने की जरूरत नहीं, तीव्र प्रकाश के लिए या रंग के लिए जिम्मेदार होता है, क्यों होता है मैं सब आपको कहानी बताऊंगा। रॉड सेल रॉड की तरह होता है। देखिए, जब कभी हम अंधेरे में जाते हैं ना, तो अंधेरे में हम चीज़ों को कैसे कैसे बता पाते हैं कि अंधेरे में ये बोतल रखा हुआ है, ये टेबल है, ये कुर्सी है, मेज है, ये कैसे बताते हैं? ये हम बताते हैं दोस्तों। देखिए, हमारी जो भी प्रकाश होता है ना, जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं ना, तो उससे हमारी आँखों से मतलब देखिए, वो चीज़ में जो भी प्रकाश पड़ता है ना, वो प्रकाश आके हमारी आँखों से टकराता है, तब हम उस चीज़ को देख पाते हैं। ठीक है, बात समझिएगा। हम किसी चीज़ को कैसे देख पाते हैं? जो भी चीज़ होता है ना, वो चमक रहा होता है प्रकाश की सहायता से, और उसका रिफ्लेक्शन हमारी आँखों में पड़ता है, जिसकी वजह से हमें दिखाई देता है। तो देखिए, अंधेरे में प्रकाश की तीव्रता बताता है कौन? रॉड सेल। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, आगे आइए बात करते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। रात्रि सेल जानवरों में भी यही सेल होते हैं, कोई मतलब नहीं हमारे लिए। पहले ध्यान समझिए क्या है। देखिए, जब कभी मंद प्रकाश होता है, एकदम कम प्रकाश, तो वस्तु को पहचानने का कार्य कौन करता है? यही रॉड सेल करता है। आप पूछोगे कैसे रॉड सेल करता है, ठीक है, कोई कैसे मतलब रॉड सेल कैसे करता है? तो देखिए, ये रॉड सेल है। रॉड सेल के चारों तरफ दोस्तों एक तरह का लिक्विड बनता है, जिसे बोलते हैं रिडॉप्सिन। तो आपसे एग्जाम्पल मैं पूछता हूँ एग्जाम में, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये IAS और PCS और सिविल सर्विसेज की बातें हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि फ्यूचर में इतने कंपटीशन को देख करके SSC में भी आपसे पूछने लगे, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। तो आप पढ़ते चलिए, और भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो यार, हम तो जानकारी के लिए पढ़ रहे हैं, हम तो ज्ञान के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो रॉड सेल के चारों तरफ एक पदार्थ बनता है, निर्माण होता है, इसको बोलते हैं रिडॉप्सिन। ये एक लेयर होती है जो कि पूरे रॉड सेल के चारों तरफ बनती है। ये जो रिडॉप्सिन होता है ना, ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक होता है रेटिनिन, एक होता है ऑप्सिन। रेटिनिन और ऑप्सिन, देखिए ऑप्सिन तो प्रोटीन होता है। अब बात आता है कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया कि आंखों में कौन सा प्रोटीन का निर्माण होता है, पता नहीं, सोचोगे आंख में प्रोटीन का निर्माण, आंख में क्या जरूरत है प्रोटीन का निर्माण होने का? तो जरूरत है दोस्तों, और इसका नाम क्या है? ऑप्सिन। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद रहेगा, और जो लोग नहीं पढ़े होंगे वो तो सोचेंगे यार बेवकूफ़ आदमी, आँख में प्रोटीन बनाने की क्या जरूरत है। लेकिन हाँ, ऑप्सिन क्या होता है? एक तरह का प्रोटीन होता है, ठीक है। बात करते हैं रेटिनिन का। रेटिनिन एक पिगमेंट होता है, जिसका कलर नॉर्मली कौन सा कलर का होता है? बैगनी कलर का होता है। लेकिन ये रेटिनिन करता क्या है? देखिए, जब ये रॉड सेल होता है ना, तो रॉड सेल के ऊपर जब भी रेडॉप्सिन जनरेट होती है, और रेडॉप्सिन कब बनेगी? जब कभी आप अंधेरे में जाओगे, ठीक है। अभी जैसे आप उजाले में, अभी आप मोबाइल देख रहे हो ना, तो उजाले में देख रहे हो। जब कभी आप अंधेरे में जाओगे, तो जैसे अंधेरे में जाओगे ना, तैसे ही रॉड सेल के ऊपर ये रेडॉप्सिन बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपको रेडॉप्सिन बनेगा ना, तुरंत रेडॉप्सिन बनेगा कैसे? रेटिनिन और ऑप्सिन की सहायता से। और जैसे रेडॉप्सिन बन जाएगा ना, आप अंधेरे में चीज़ों को तो पहचान लोगे कि कौन सी चीज़ क्या रखी हुई है, ठीक है, चीज़ों को पहचान लोगे। अब प्यूपिल भी एकदम फैल जाती है, बड़ी हो जाती है देखने के लिए कि क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो बड़े होने के साथ साथ भी क्या होता है, हमारे रेटिना पे जो रॉड सेल है उसके ऊपर रेडॉप्सिन की परत बन जाती है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जिस व्यक्ति को रतौंधी होता है ना, हम कहते हैं, हम एग्जाम में पढ़ते हैं कि विटामिन ए की कमी कारण कौन सा रोग होता है? रतौंधी। पूछे विटामिन ए की कमी कारण कैसे हो जाएगा? नहीं पता साहब, ठीक है। रतौंधी माने क्या होता है? नहीं पता साहब। अरे समझो उस चीज को क्या होता है। देखिए, ये जो रेटिनिन होता है ना, ये विटामिन ए का पूरक होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है? विटामिन ए का पूरक होता है, इसी का पूरक होता है। तो अगर आप विटामिन ए नहीं लोगे, देखिए विटामिन ए इसका पूरक होता है, ऐसे लिखना चाहिए मुझे, समझ जाएगा। तो विटामिन ए अगर आप नहीं ले पा रहे हो, ठीक है, तो आपके शरीर में रेटिनिन नहीं बन पाएगा। बनेगा क्या? जब भाई विटामिन ए से ही रेटिनिन बनेगा, और विटामिन आप ए ले नहीं रहे हो, तो विटामिन ए लोगे नहीं तो रेटिनिन बनेगा नहीं। यानी रेटिनिन की कमी के कारण, यानी विटामिन ए की कमी, देखो विटामिन ए की कमी नहीं होती है, कमी किसकी होती है? रेटिनिन की। कमी किसकी होती है? रेटिनिन की। हम क्या बोलते हैं? विटामिन ए की। क्यों? क्योंकि इसका पूरक कौन होता है? विटामिन ए, ठीक है। तो जब विटामिन ए की कमी होगी तो रेटिनिन बनेगा नहीं, और जब रेटिनिन बनेगा नहीं तो आपको रात में दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इस रेड सेल के चारों तरफ रेडॉप्सिन का निर्माण नहीं होगा, और रेडॉप्सिन का निर्माण नहीं होगा तो रात में आपको चीजें नहीं दिखाई देंगी। बात सिर्फ रॉड सेल की नहीं है, बात रॉड सेल पे रेडॉप्सिन बनने की है। अगर रेडॉप्सिन बनता है तो आपको दिखाई देगा, रेडॉप्सिन नहीं बनता है तो आपको नहीं दिखाई देगा। तो जिस भी आदमी के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाती है, उसके शरीर में, उसकी आंखों के अंदर रेडॉप्सिन का निर्माण नहीं होता है, रेटिनिन का निर्माण नहीं होता है, तो उसे कलर ब्लाइंड, सॉरी नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जिसे हम बोलते हैं रतौंधी। नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी यानी रात, रतौंधी जिस व्यक्ति को होता है उसे रात में चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं।
चीज समझ में आ गई। इसी तरह शंकु कोशिका होता है दोस्तों, शंकु कोशिका क्या करता है, ये तीव्र प्रकाश में काम करता है। तो दोनों में अंतर याद रखिएगा, ये जो रेड सेल होता है, रेड सेल होता है ये मंद प्रकाश में काम करता है, और जो कोन सेल होता है तीव्र प्रकाश में काम करता है, और ये तीव्र प्रकाश में अंतर बताता है। और भी चीजें दोस्तों, रात में आप चीजों को देख तो पाते हो, लेकिन रात में आप कलर पहचान पाते हो क्या? नहीं। क्या आप अंधेरे में चले जाओ तो बता सकते हो कि कौन सा अक्षर किस कलर में लिखा हुआ है, लाल, बैंगनी, हरा, नीला, पीला, काला? नहीं, आपको सब एक जैसा महसूस होता है। या ऐसे कहो तो अक्षर तो दिखते ही नहीं है, अगर दिखेंगे भी तो सब ब्लैक कलर में दिखेंगे, ठीक है? तो हमें कलर नहीं दिखता, यानी जब रेडॉप्सिन बनता है ना, तो रेडॉप्सिन ब्लैक एंड व्हाइट होता है, वहां पे कलर नहीं होता है, ठीक है? लेकिन अगर जब कौन से जब हम तीव्र प्रकाश में आते हैं, तब हम कलर में अंतर कर पाते हैं, कि जैसे लाल कलर है, पीला कलर है, हरा। तो कौन से किसके लिए जिम्मेदार? कौन से तीव्र प्रकाश के लिए और रंग के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। ये है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे रेटिनिन, देखिए जो आंख में हमारे रेटिनिन बनता था ना, अगर रेटिनिन नहीं बना तो रेड सेल काम नहीं करता, और अगर वो काम नहीं किया तो रतौंधी हो जाएगी और रात में दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना? सिंपल सी बात। आगे ये बात करते हैं, मान लीजिए फिर से वही चीजें मैं समझाने के बाद प्रयास कर रहा हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो मंद प्रकाश में रेड सेल पर ही रेडॉप्सिन की परत बनती है, जब मंद प्रकाश होगा तभी रेडॉप्सिन बनेगा, नहीं तो बनेगा नहीं, ताकि व्यक्ति वस्तुओं का आभास कर सके। ध्यान दीजिए, एक समय में चाहे रेड सेल चाहे कौन सेल, दोनों इनमें से कोई एक ही काम करेगा, दोनों एक साथ कभी काम नहीं करता है। आपकी हमारी आंख में दोनों है, रेड सेल कौन सेल दोनों है, लेकिन दोनों एक साथ काम नहीं करती हैं। यानी जब कभी हम अंधेरे से अचानक उजाले की तरफ आते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जब कभी हम अंधेरे से अचानक उजाले की तरफ आते हैं, तो हमारी आंखें क्या होती हैं, चौंधिया आ जाती हैं। तो क्यों चौंधिया आ जाती हैं, देखिए क्या होता है, आपके साथ हुआ होगा ऐसा कई बार, ठीक है? तीव्र प्रकाश में रेडॉप्सिन जो होता है वो निष्क्रिय हो जाता है। जैसे हम अंधेरे में जाते हैं, रॉड सेल के चारों तरफ रेडॉप्सिन बन गया, आज अचानक से हम उजाले में आ गए, एकदम अचानक से, या आपके आंख पे तुरंत कोई टार्च जला दिया, या आप अचानक से उजाले की तरफ आ गए, तो रेडॉप्सिन तुरंत वहीं क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, और तुरंत कौन सेल एक्टिव हो जाता है। किंतु रेडॉप्सिन की जो परत रहती है वो पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाती है, जिसके कारण आपको चक्कर जैसा महसूस होता है, या आपके आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, या आप एकदम चौंधिया जाते हो, चौंक जाते हो, ऐसा महसूस होता है। कब तक? जब तक कि उस रेड सेल के ऊपर चारों तरफ से रेडॉप्सिन की परत जो है वो समाप्त ना हो जाए। तो ये प्रक्रिया लगभग 20 से 30 सेकंड तक रहती है। तो 20 से 30 सेकंड के बाद आप नॉर्मल हो जाते हो। जैसे रेडॉप्सिन समाप्त होगा, कौन सेल पूरी तरह से काम करने लगेगा, फिर आप क्या करोगे, चीजों को अच्छे से देख पाओगे। यही रीजन होता है दोस्तों, क्योंकि जब हम किसी गुफा से बाहर निकलते हैं अचानक से, तो हमारी आंखें चौंधिया जाती है, या किसी सुरंग से बाहर निकलते हैं तो हमारी आंखें चौंधिया जाती है। क्यों? क्योंकि हम अंधेरे से अचानक उजाले की तरफ आते हैं, जिसकी वजह से ये चीजें हमें देखने को मिलती है। देखिए अगर हम बात करें उल्लू की, तो उल्लू में कौन सेल पाया ही नहीं जाता, कौनसेल होता ही नहीं, इसी वजह से वो दिन के उजाले में देख ही नहीं पाता। यानी और जानवर जो है उनके अंदर कौनसेल होगा, क्योंकि अगर कौनसेल नहीं होगा तो दिन के उजाले में तो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि रॉड सेल तो अंधेरे में दिखाई देगा या कम प्रकाश में दिखाई देता है, ठीक है? तो उल्लू एक ऐसा प्राणी है जो इसके अंदर कौनसेल नहीं पाया जाता। बाकी जो जानवर है उसके अंदर कौनसेल पाया जाता है, लेकिन उसके अंदर पिगमेंट नहीं होता है, ठीक है ना? जिसके कारण और भी जानवर कलर नहीं देख पाते हैं। जानवर जो होते हैं ना दोस्तों, ये ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं, कलर नहीं देख पाते हैं, ठीक है? आगे बात करते हैं, देखिए जानवर की आंखें रात में चमकती हैं, कभी कभी आप देखते हैं, ठीक है? तो जैसे कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गए, इनकी आंखें चमकती हैं। चमकने का कारण क्या होता है? टेपिटम ल्यूसिडम। तो इसको आप याद रखिएगा, टेपिटम ल्यूसिडम, दिन भर में 8-10 बार बोलिए, याद हो जाएगा, टेपिटम ल्यूसिडम, टेपिटम ल्यूसिडम, तो ऐसे करके, ठीक है ना? देखिए कौन सेल में क्या होता है, कौन सेल ना हमारे शरीर में तीन जो आंखों के अंदर तीन प्राइमरी कलर होते हैं, आपको पता होगा ये तीन ही प्राइमरी कलर होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, इसको बोलते हैं RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है? तो इसी रेड, ग्रीन, ब्लू की सहायता से 7 कलर बनाए जाते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। तो जहां पे दोनों मिलते हैं यहाँ पे कुल कलर बनते हैं, और जहां पे सेंटर पॉइंट होता है, जहां पे सभी मिलते हैं, वहां पे व्हाइट कलर बनता है। तो ये आपको ध्यान देना, बाकी मैं आपको प्रकाश वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, ठीक है? जब फिजिक्स पढ़ाऊंगा वहां बताऊंगा डिटेल से। देखिए यहाँ क्या होता है कि किसी भी एक रंग की कमी से आपको पूरा रंग नहीं दिखाई देगा, कोई भी एक रंग की अगर कमी होगी तो आपको पूरा रंग दिखाई नहीं देगा, और इसी को बोलते हैं वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं, वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है? अभी समझ में आ गया आपको कलर ब्लाइंडनेस वाली प्रॉब्लम कहाँ से हो सकती है? तो कौन सेल में जब प्रॉब्लम होती है तो कलर ब्लाइंडनेस, और रेड रेड सेल में जब प्रॉब्लम होती है तो आपको रतौंधी, ठीक है ना? ये चीजें।
अब देखिए, अगर हम आंखों की एक संरचना माने, तो देखिए जब यहाँ से प्रकाश इंटर करता है ना, तो चीजें नॉर्मली क्या होती है, रेटिना पे हमारा फोकस बनता है। लेंस कहाँ फोकस करता है, रेटिना पे, तब तो चीजें नॉर्मल है। लेकिन अगर रेटिना से पहले ही बन जाए, ठीक है, तो एक रोग होता है जिसको बोलते हैं माइप, कुछ गलत हो गया, ठीक है ना, इसको लिखना चाहिए माइपिया, माइपियल नहीं, माइपिया, ठीक है ना, मायोपिया याद कर लीजिए, मायोपिया, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, माइपिया। माइपिया को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष माने क्या होता है, जब दूर की वस्तुएं, देखिए उल्टा होता है हमेशा, निकट दृष्टि दोष होगा तो आपको दूर की चीजें नहीं दिखाई देंगी, ठीक है, उल्टा होता है, याद रखिएगा हमेशा। तो निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, और आंख में होता क्या है, तो देखिए जो फोकस दूरी है ना, जो हमारी रेटिना है ना, फोकस थोड़ा पहले हो जाता है, तो थोड़ा पहले हो जाता है तो हमें चीजें दिखाई नहीं देंगी। तो हम एक चश्मा लगाते हैं, और चश्मे में कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाता है, तो चश्मे में कॉनकेव लेंस इस्तेमाल किया जाता है, जिसको अवतल बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, अवतल लेंस। तो जैसे कॉनकेव लगाते हैं या अवतल लगाते हैं, दोनों का आप याद रखेंगे, गड़बड़ नहीं करेंगे कभी, अवतल या कॉनकेव, ठीक है ना। तो जैसे हम ये लगाते हैं, फिर से हमारी जो ये फोकस हो रहा था, ये कहाँ तक पहुँच जाता है, रेटिना पर पहुँच जाता है, फिर से हमें क्लियर दिखाई देने लगता है। तो इसको आप ऐसे याद कर लीजिए, माइकेव याद कर लीजिए, माओपिया में माइकेव, के माने हो जाएगा कॉनकेव, तो जब माइपिया होता है तो कॉनकेव होता है, लेंस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ऐसे इंग्लिश वालों के लिए। हिंदी वाले क्या कर सकते हैं, जैसे जब निकट दृष्टि दोष होता है, ठीक ना, तो याद कर लीजिए निकट के तल, निकट तल, ठीक है ना, तो निकटतम, निकटतम से बनकर निकट तल, ठीक है ना, तो ऐसे याद कर लीजिए। तो कौन सा होता है, अवतल, ठीक है ना, तो उत्तल मत करिएगा, अवतल है, ठीक है ना, निकट आओ, आओ नजदीक आओ, ठीक है, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। इसके बाद है दोस्तों दूर दृष्टि दोष, ठीक है ना, दूर दृष्टि दोष को बोलते हैं हाइपरमाइट्रोपिया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो इमेजेस होती है ना, वो रेटिना के पीछे बनती है। जैसे देखिए अभी ये पहले बनता था ना, तो और ये बनना चाहिए, तो वो वाला क्या करेगा, दूर बनेगा, वो वाला क्या बनेगा, दूर बनेगा, यानी वो यहां ना बनके सीधे यहां बनेगा कहीं, ठीक है ना, तो रेटिना से दूर बनता है। तो जब रेटिना से दूर बनता है, यानी रेटिना के पीछे बनता है, तो पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। मैंने बोला उल्टा होता है, दूर दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। तो जो लेंस इस्तेमाल किया जाता है, वो लेंस इस्तेमाल होता है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स को दोस्तों क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस। अब एकदम बिल्कुल आखिरी टॉपिक है, और स्टिगमेटिज्म, ठीक है ना, ये क्या है, दृष्टि वैषम्य, इसको मैंने पीछे बता चुका हूँ। इसमें व्यक्ति क्या करता है कि कार्निया सिकुड़ जाती है, बताया था ना कार्निया वाले पार्ट में, और भी यहाँ होता है, इसमें व्यक्ति क्षैतिज देख पाता है किंतु ऊर्ध्वाधर नहीं देख पाता, तो इसमें उसकी आंखों, अच्छा एक चीज़ और यहाँ प्रॉब्लम होती है कि यहाँ मल्टीपल फोकस पॉइंट बनता है। ये जो आप फोकस देख रहे हो, देखो आदमी के साथ बड़ा गेम हो जाता है यार, ये कभी यहाँ बनेगा, 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 यहाँ यहाँ इतने फोकस बनने लगते हैं ना, मल्टीपल फोकस पॉइंट्स, ठीक है ना, उसका कोई कोई वो नहीं कि कितने बनेंगे, दो बनेंगे, तीन बनेंगे, पांच बनेंगे, आठ बनेंगे, दस बनेंगे, कितने भी बन सकते हैं, ऐसा खतरनाक रोग होता है। तो इसको बोलते हैं एस्टिगमेटिज्म, ठीक है ना, मल्टीपल फोकस पॉइंट यहाँ बनते हैं, यानी ढेर सारे फोकस पॉइंट बनते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जैसे मैं अगर आपसे बोल दूँ कि अगर मैंने ई लिखा है, नॉर्मल आपको दिख रहा होगा, और ये किसकी प्रॉब्लम के कारण है, ये आपको एस्टिगमेटिज्म है, या अगर मैं इसकी बात कर लूँ, देखिए जी ठीक है, ये आपको नॉर्मल दिख रहा है, और यहाँ क्या है, स्टिगमेटिज्म है, तो यहाँ पे कई फोकस पॉइंट बन रहे होंगे, ठीक है, तो इसकी वजह से। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए, इस रोग को दूर करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो सिलेंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। लेंस जो होता है वो सिलेंड्रिकल हो जाता है, सिलेंडर टाइप का हो जाता है। तो ये चीज़ें नहीं दोस्तों आँख के बारे में, उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपकी यहीं से बनेंगे, ठीक है, और इसके बाहर से कुछ भी नहीं होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करिए, और जो भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट्स में बोल सकते हैं, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और हाँ दोस्तों प्लीज़ अगर ऐड आता है वीडियो पे, तो आप प्लीज़ ऐड पे क्लिक करिए, ठीक है, मैं आपसे बार बार कहता हूँ दोस्तों कि ऐड दिख, आप लोगों को तो चाहिए यार कि ना कि दिन भर में ना अगर कोई काम नहीं है, तो दिन भर में एक दो बार चैनल को खोलें और ओपन करके ऐड ही देख लें, ऐड ही क्लिक